हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से आप लोगों को इंतज़ार था, बहुत सारे कमेंट्स रिक्वेस्ट आ रहे थे कि क्लास 11 सोशियोलॉजी के चैप्टर 2 का बुक फर्स्ट जो कि हमारा, उसका वीडियो कब आएगा मैम, कब आएगा मैम, कब आएगा। तो आज मैं वही चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास पूरे नोट्स अवेलेबल है, वो मैं आप लोगों को वीडियो में भी रिफ़र करती हूँ, ठीक है। पूरे नोट्स बने हुए हैं, पूरा क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक। वीडियोज़ आने में थोड़े टाइम लग रहे थे, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए हर एक दो दिन पर एक वीडियोज़ आ जाए सोशियोलॉजी के। लेकिन फिर भी अगर टाइम लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, नोट्स लेके पढ़ सकते हैं। फिर भी आपका इंतज़ार खत्म हुआ, आज मैं चैप्टर 2 आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 11 बुक 1 में बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, आई थिंक 5 और 6 चैप्टर्स हैं, तो बहुत जल्दी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक और न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जो भी लोग पेटीएम पे पैसे नहीं दे पा रहे थे उनके लिए अब मेरा वही नंबर क्या हो गया है, गूगल पे पे भी हो गया है, ठीक है। तो आप गूगल पे के थ्रू भी पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो वही सेम नंबर है, कुछ चेंजेस नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो जैसा कि आप लोगों को पता है, चैप्टर 2 है हमारा टर्म कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज़ इन सोशियोलॉजी। कुछ टर्म्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स जिनका सोशियोलॉजी में क्या यूज़ है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आवर नॉलेज सिस्टम इज़ बेस्ड अपॉन कॉन्सेप्ट थ्योरीज एंड फैक्ट्स, ठीक है। हमारा नॉलेज जो सिस्टम है पूरा का पूरा, वो क्या 3 चीज़ों पर ही क्या है बेस्ड है, जो कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट होते हैं, नेक्स्ट हमारा थ्योरीज होता है, फिर कुछ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। इन 3 चीज़ों से ही मिलके हम एक नॉलेज बनाते हैं, एक नॉलेज हम गेन करते हैं और एक पूरा नॉलेज सिस्टम चलता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं टर्म कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज़ इन सोशियोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ सोशियोलॉजी में मैंने 2 डायग्राम दिखाए हुए हैं, जो कि एक है इंडिविजुअल और एक है ग्रुप। तो ये यही बताना चाह रहा है कि सोशियोलॉजी क्या है, इंडिविजुअल की स्टडी नहीं होती है, यहाँ पे क्रॉस होगा। और सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, एक ग्रुप की, पूरी एक पर्टिकुलर ग्रुप की क्या करते हैं, हम स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। तो यही बताया गया यहाँ पे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें काइंड्स ऑफ ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स कितने तरीके के होते हैं, अगर इंडिविजुअल्स होते हैं तो इंडिविजुअल्स कितने तरीके के होते हैं, अनइक्वल ऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम्स, रोल्स, स्टेटस, सोशल कंट्रोल्स। इस चैप्टर में हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिसिप्लिन हैज़ अ टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या है, डिसिप्लिन हैज़ अ टर्मिनोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि हर एक पर्टिकुलर चीज़ों का क्या होता है, अलग अलग जगह अलग अलग मतलब निकलता है। तो ये यहीं पे यहाँ पे बता रहा है कि सोशियोलॉजी में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये सारे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, तो इनका सोशियोलॉजी में एक अलग मतलब है, ठीक है। तो उनको हम लोग एज अ डिसिप्लिन और एज अ टर्मिनोलॉजी अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट द कंसर्न्स ऑफ सोशल थिंकर, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग सोशल थिंकर्स ने दिए हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है हमारा इंडिविजुअल इज नॉट फ्री, ठीक है। इसमें यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारा इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब कि हम पर्टिकुलर एक लोग जो एक बाय बर्थ एक नॉर्मल इंसान पैदा होता है, वो क्या होता है, कभी भी फ्री नहीं होता है। फ्री का मतलब ये नहीं कि कि वो काम से फ्री हो जाए, ऐसा कुछ फ्री नहीं होता है। वो हमेशा क्या होता है, फैमिली, ट्राइब, कास्ट, क्लास, नेशन, कहीं ना कहीं ये सबसे क्या होता है, घिरा होता है, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल बर्थ लिया है, उसकी कुछ फैमिली होगी, किसी ट्राइब से बिलोंग करता होगा, किसी कास्ट से बिलोंग करता होगा, किसी क्लास से बिलोंग करता होगा और किसी नेशन से बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो यही बताया गया, इंडिविजुअल कभी भी फ्री नहीं होता है, मतलब सिंगल नहीं होता है, ठीक है। काम के पर्पज़ में फ्री नहीं, रिलेशन के पर्पज़ में फ्री, ठीक है। वो एक कलेक्टिव बॉडीज से क्या होता है, पूरी घिरा होता है, ठीक है। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमने जो अपना लास्ट लेक्चर देखा था, जो कि हमने अपना प्रीवियस चैप्टर देखा था, उसमें हमने अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट्स देखे थे, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी देखा था, ठीक है, कैसे सोशियोलॉजी आया है। फिर है हमारा सिंपल सोसाइटीज, जैसे कि इसमें बताने की कोशिश ये किया जा रहा है कि पहले हमारी सोसाइटी कैसी थी, सिंपल सोसाइटीज थी,
ट्रेडिशनल सोसाइटीज थी, ठीक है। लेकिन अब सोसाइटी क्या हो गई है, मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स हो गई है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी आ गई है और कॉम्प्लेक्स हो गया है। ओपन क्लोज फेस टू फेस इंटरेक्शन जैसे ख़त्म सा हो गया है और क्या हो गया, फॉर्मल इंटरेक्शन शुरू हो गया है, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं क्या, देखते नहीं हम लोग, क्या किसी से बाहर जाते हैं, मिलते हैं। अगर हमारे घर के सामने भी कोई रहता है तो हमें उनसे बात करने के लिए क्या करते हैं, हम फ़ोन करते हैं। हम उनको ये भी नहीं ज़रूरी समझते हैं कि उससे जाके हम फेस टू फेस मिल लें, नहीं। तो वही बता रहा है कि जो एक ओपन इंटरेक्शन था, फेस टू फेस इंटरेक्शन था, वो ख़त्म हो गया है, फॉर्मल इंटरेक्शन शुरू हो गए। सिंपल सोसाइटी से ट्रेडिशनल सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स माने जाते थे, वो सब ख़त्म होकर एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटीज़ हो गई है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जॉब ओरिएंटेड हो गए और इतनी ज़्यादा चीज़ें क्या हो गई है, कॉम्प्लेक्स होने लगी है, ठीक है, धीरे धीरे। जैसे कि हम यहाँ पे अलग अलग थिंकर्स का नाम दिया है, कार्ल मार्क्स किस क्लास और कन्फ्लिक्ट के बारे में बताते हैं, डर्कहाइम हमें सोशल सोलिडिटी एंड कलेक्टिव कंसाइंस के बारे में बताते हैं, कन्फ्लिक्ट थ्योरी है, मार्क्सिज्म है, सम ट्राइड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। कुछ लोगों ने क्या बताया ह्यूमन बिहेवियर समझने में मदद की है, जैसा कि हमारा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल क्या होता है, हमेशा माइक्रो लेवल पे आते हैं कि इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा होता है, ये मास्को नहीं होगा, मैक्रो स्ट्रक्चर होगा। मैक्रो स्ट्रक्चर में वही बताया गया, अगर कहीं भी मैक्रो स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो कास्ट, मार्केट, स्टेट, क्लास, कम्युनिटी, इसमें मेनली यही डिफरेंस बताने की कोशिश की गई है कि इंडिविजुअल हमेशा माइक्रो लेवल पे होता है, हम उसमें कुछ भी एक चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन अगर जहाँ भी मैक्रो आता है तो हमें उसमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है, कास्ट, मार्केट, स्टेट, क्लास, कम्युनिटी, हर कुछ, ठीक है। फिर हमारा हम इसमें पढ़ेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है और फंक्शनलिस्ट थ्योरी, ठीक है। फंक्शनलिस्ट थ्योरी मैं आपको आगे समझाती हूँ कन्फ्लिक्ट और फंक्शनलिस्ट थ्योरी क्या होता है जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो और फिर हमारा नेक्स्ट सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़, ठीक है। सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़ क्या होती है, ग्रुप्स ऑलवेज एग्जिस्टेड, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भी जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे हर जगह क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स एंड कलेक्टिव्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज़, जो ग्रुप्स होते हैं और कलेक्टिव्स होते हैं, मतलब इकट्ठा होना और किसी का ग्रुप होना, दोनों बहुत अलग चीज़ें होती हैं और अलग अलग सोसाइटी में इनको अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, मान्यता दिया जाता है। एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है, पैसेंजर वेटिंग एट अ रेलवे स्टेशन, वही बोल रहा है जहाँ पे लोग कलेक्ट रहते हैं उनको हम लोग एग्रीगेट्स बोलते हैं, जैसे कि पैसेंजर क्या है, रेलवे स्टेशन पे खड़े बहुत सारे पैसेंजर्स खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, वो लोग क्या है, कलेक्टिव्स हैं, एग्रीगेट्स हैं, लेकिन वो लोग ग्रुप्स नहीं है, ठीक है। हम लोग ग्रुप्स के भी फीचर्स देखेंगे कि ग्रुप्स आखिर हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ग्रुप है या नहीं। यही बोला गया एग्रीगेट्स में हमारे क्या आते हैं, क्वासी ग्रुप, मतलब एग्रीगेट्स को हम लोग क्वासी ग्रुप्स बोल सकते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्वासी ग्रुप्स में क्या क्या होते हैं, क्वासी ग्रुप्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो क्वासी ग्रुप्स में पहला होता है हमारा अनअवेयर, वो लोग एक दूसरे से अवेयर नहीं होंगे कि वो लोग ग्रुप क्यों बना है, ठीक है। वो लोग एक दूसरे से क्या होंगे, बिल्कुल भी अवेयर नहीं रहेंगे कि ग्रुप क्यों बना है। एक मिनट फ्रेंड्स। दूसरा हमारा सोशल क्लासेस, वो लोग क्या होंगे, किसी पर्टिकुलर सोशल क्लासेस से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। लैक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, उनका कोई स्टेटस ग्रुप्स नहीं होगा, ठीक है। स्टेटस, एज ग्रुप कुछ नहीं होगा, कुछ मैच नहीं करेगा, उनका कोई स्टेटस ग्रुप नहीं होगा। मतलब इसमें पर्टिकुलरली यही बोल रहा है कि अगर रेलवे स्टेशन पे कोई लोग खड़े हैं तो वो लोग ना तो एक दूसरे से अवेयर है, ना एक दूसरे को जानते हैं, ना उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना उनका कोई मोटिव है, ना उनका कोई सोशल क्लास है, ना ही उनकी एज, हाइट, वेट कुछ भी सेम है, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है ऐसे लोगों को हम लोग क्वासी ग्रुप्स बोल सकते हैं, जिनका कोई मोटिव ना हो, जो एक दूसरे को जानते ना। यहाँ पे बोगार्डस ने एक बात बोली है कि ग्रुप किसको हम लोग बोल सकते हैं, ग्रुप हम लोग उसको बोल सकते हैं जिनके अंदर क्या हो, वी फीलिंग हो। जैसे कि अगर हम चार लोगों के साथ हैं, अगर मेरे अंदर वी फीलिंग है, अगर हम कहीं भी बोलते हैं हम वी, हम लोग कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, जैसे वुमेन्स मूवमेंट्स, ठीक है। वुमेन्स मूवमेंट्स हमेशा किससे होता है, ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है। वो लोग अगर कुछ भी नारी बेटी बचाओ ऐसा कुछ भी नारा निकालती हैं तो वो लोग एक ग्रुप बनाती हैं, ठीक है। उनके अंदर वी फीलिंग होती है, कहीं भी जाती हैं साथ में जाती हैं, तो एक एकता वाली फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो उनका इंटरेक्शन होना चाहिए, मतलब वो लोग एक दूसरे से मिलने चाहिए, बात करनी चाहिए, ठीक है। स्टेबल पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन, मतलब
ऐसा नहीं कि हम एक बार मिले हो ग्रुप बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें एक स्टेबल पैटर्न में क्या होना चाहिए, मतलब हमेशा एक टाइम होना चाहिए, उस टाइम पे क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होते रहना चाहिए। अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो लोग एक दूसरे के किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। शेयर्ड इंटरेस्ट, अगर उस ग्रुप में है तो पर्टिकुलरली जैसे कि हम लोग वुमेन्स मूवमेंट के ग्रुप में है, ठीक है, बेटी बचाओ, तो हमारा हमें पता है कि सबका क्या होगा, जितनी वुमेन्स होंगी सबको पता होगा कि उनको क्या हो, बेटी बचाओ उनका क्या है, एक इंटरेस्ट है और सबका यही इंटरेस्ट होगा, ठीक है। कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, सबके कॉमन नॉर्म्स होनी चाहिए, वैल्यूज़ होनी चाहिए। नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की मतलब मैंने बताया था, नॉर्म्स क्या होता है, हमें गिवन होता है, वैल्यूज़ हम अपने हिसाब से रखते हैं। अ डेफिनेट स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर में काम होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप्स कितने तरीके के होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटी होती है, सोसाइटी होता है, एसोसिएशन होता है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप होता है, रेफरेंस ग्रुप होता है, ठीक है। पीयर ग्रुप मैं यहाँ बता देती हूँ, बाकी सबको मैंने डिटेल में बताया। पीयर ग्रुप कोई ऐसा ग्रुप नहीं होता है, पीयर ग्रुप वही ग्रुप होता है कि जैसे नर्सरी से लेकर जो ट्वेल्थ या कॉलेज लाइफ तक हम लोग जो भी ग्रुप बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम लोग पीयर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। उन्हीं को, जितने हमारे दोस्त फैमिली रिलेटिव्स बनते हैं उन्हीं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पीयर ग्रुप बोलते हैं। बाकी आइए देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, फेस टू फेस रिलेशन होता है, मतलब बहुत ही नज़दीकी, हम लोग फैमिली, जो पहला हमारा ग्रुप बन जाए, फैमिली से बन जाए, कोई क्लोज रिलेटिव से बन जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं फेस टू फेस रिलेशन होता है हमारा इनसे। रिलेशनशिप बहुत ही पर्सनल होता है, ठीक है। रिलेशनशिप इज़ पर्सनल, मेरे मदर फादर मेरी बेस्ट फ्रेंड, ऐसा कुछ। रिलेशनशिप इज़ स्पॉन्टेनियस का मतलब वो क्या होता है, अपने आप बन जाता है। जैसे मेरी मदर है, मेरी फादर है, मेरी फ्रेंड है, तो उनसे हमें रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा ऑटोमेटिकली बना हुआ है। स्मॉल साइज, ये छोटे साइज का ग्रुप होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ऑन नियरनेस, हम हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के पास रहते हैं और फिजिकल एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। स्टेबिलिटी बनी रहती है, हमेशा रहता है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप देख लेते हैं। इनडायरेक्ट और इम्पर्सनल होता है, बिल्कुल भी इनडायरेक्ट होता है, कहीं से भी हो सकता है। इम्पर्सनल होता है, कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है, नॉन इंक्लूसिव रिलेशनशिप, रिलेशंस इंक्लूज नहीं होते, ठीक है। लार्जनेस ऑफ द साइज, ऑफकोर्स ही बात है, हम लोग किसी बाहर ग्रुप में जाके ज्वाइन होंगे तो वो बड़ा तो होगा ही, इसमें हमें मेंबरशिप लेनी पड़ती है। नो फिजिकल बेसिस, हमारा कोई फिजिकल नहीं होता है अपीयरेंस, ठीक है, इसमें फिजिकली हमें कुछ भी नहीं रहता है। फाउंडर ऑफ कम्युनिटी, जैसे कि अब हम लोग कम्युनिटी देख रहे थे, कम्युनिटी क्या होता है, तो फेर्डिनेंड टॉनिस ने हमें एक दिया हुआ है, देख लेते हैं। अ कम्युनिटी इज एन ऑर्गेनिक नेचुरल काइंड ऑफ सोशल ग्रुप हुज मेंबर्स आर बाउंड टुगेदर बाय अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। एक कम्युनिटी क्या है, एक ऑर्गेनिक नेचुरल काइंड ऑफ सोशल ग्रुप है जिसके मेंबर्स क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। किस चीज़ में बाउंड होते हैं, जो काम वो लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब कि उनका कुछ एक पर्टिकुलर मोटिव होता है और उसी मोटिव को लेके क्या करते हैं, सारे मेंबर्स काम करते हैं, ठीक है, यही होता है। कम्युनिटी को हम लोग जेमिन शेफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। आइए कम्युनिटी की थोड़ी सी देख लेते हैं क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। इसमें वी फीलिंग्स होती है, ठीक है, वी फीलिंग होती है। इनफॉर्मल इंटरेक्शन इन लोग में होता है, डायरेक्ट इंटीमेट होते हैं, इन लोग डायरेक्ट मिलते हैं, फेस टू फेस होता है, ये बिल्कुल रियल होता है, मतलब इनकी एग्जिस्टेंस होती है। टेरिटरी मतलब इसका एक पर्टिकुलरली एरिया डिसाइडेड होता है कि कम्युनिटी, इसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया को नहीं बोल सकते हैं कि हर जगह के लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलरली सोसाइटी में बन गया, पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन में बन गया, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी, ठीक है। एसोसिएशन क्या होता है, जेसल शाफ्ट फेरिलेंडिन टॉनिस ने ही इसको भी ये बोला है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, उन्होंने ये बताया है, जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, एसोसिएशन और कम्युनिटीज वही चीज़ें होती है। एसोसिएशन क्या होती है, इन्होंने बताया जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हैं और वो लोग क्या कर रही है, बहुत सारे एसोसिएशन क्रिएट करिए, प्लुरैलिटी ऑफ एसोसिएशन। इसमें यही बताया कि एसोसिएशन क्या होता है, कम्युनिटीज़ के अंदर आता है, ठीक है। जो कम्युनिटीज़ होती हैं अलग अलग, वही लोग क्या करती हैं, एसोसिएशन बनाती हैं। एसोसिएशन के अंदर कभी भी कम्युनिटी नहीं आती है, ठीक है। एसोसिएशन का ये फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो पर्पस ग्रुपिंग होता है, पहले तो ये कोई अगर एक पर्टिकुलरली छोटा सा भी पर्पस है तो उसके लिए लोग क्या कर देंगे, एसोसिएशन बना देंगे। ये भी रियल होता है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। ऑफन कॉन्टैक्ट बेस्ड, ये कॉन्टैक्ट बेस्ड होता है, ठीक है। ब्यूरोटिकली ऑर्गेनाइज, मतलब इसकी में हायरार्की होती है, ठीक है। ब्यूरोटिकली होता है कि हेड
स्टाफ ऐसे लोग होते हैं, टेम्प्ररी और परमानेंट कुछ भी हो सकता है, मतलब हमारा पर्पस खत्म हुआ तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं। गोल ओरिएंटेड होता है, पर्टिकुलरली गोल होता है उसी को हम लोग पूरा करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। विलियम ग्राहम समनर जो है उन्होंने बोला है इसके बारे में, देख लेते हैं, वॉज अ क्लासिकल लिबरल अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट। इन्होंने इन ग्रुप और आउट ग्रुप के बारे में मेनली बताया है, ठीक है। इन्होंने अपनी फॉल्क वेज बुक जो लिखी है उसी में इसने बताया है, ठीक है। इन ग्रुप और आउट ग्रुप क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, ठीक है, बिल्कुल भी पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। मैं मुँह से ही बता देती हूँ, इन ग्रुप वो ग्रुप होता है जिस ग्रुप से हम बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और जिस ग्रुप से हम बिलोंग कर रहे हैं वो हमारे लिए इन ग्रुप है, बाकी सारा ग्रुप हमारे लिए आउट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। उन सारे ग्रुप से हमें कोई मतलब नहीं है, यही होता है इन ग्रुप और आउट ग्रुप। फिर रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, फॉर अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप अनदर ग्रुप इज रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर हैं तो वो ग्रुप हमारा ग्रुप है और बाकी दूसरा ग्रुप हमारे लिए रेफरेंस ग्रुप है। तो यही बात आप लोग बोलेंगे कि आउट ग्रुप में भी तो था, नहीं, आउट ग्रुप और रेफरेंस ग्रुप में क्या है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। रेफरेंस बुक को अगर ग्रुप आता है, मैं बार बार बुक बोल दे रही हूँ, सॉरी, ग्रुप है यहाँ पे। अगर देखिए, ये फॉर एग्जांपल मैंने दिया, ये देखिए, आउट ग्रुप तो बिल्कुल भी वही है कि अगर हमारे ग्रुप के अलावा कोई भी ग्रुप है तो आउट ग्रुप है, लेकिन रेफरेंस ग्रुप में एक वो डिफरेंस है। ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, एस्पायर टू बी ऑफ सेकेंड ग्रुप। जो हमारा ग्रुप है वो हमेशा चाहेगा क्या हो, सेकंड ग्रुप की तरह बन जाए, तो वो क्या हो जाएगा, रेफरेंस ग्रुप। जिस ग्रुप को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी तरफ बनना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए रेफरेंस ग्रुप हो जाएगा। टू बी लाइक द मेंबर ऑफ सेकंड ग्रुप, ये लोग क्या चाहते हैं कि सेकंड ग्रुप के मेंबर्स की तरफ बन जाए, तो ये इनके लिए क्या होगा, ये रेफरेंस ग्रुप हो जाएगा। और ये क्या होगा, ट्राइज टू मेंटेन द डिफरेंस, ये हमेशा डिफरेंस मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बी द स्टैंडर्ड, ये हमेशा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है। फिर हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का सीधा सीधा अगर मतलब बताएं बोले तो ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या हुआ, इनइक्वालिटीज को बांट देना, ठीक है। जैसे कि जो भी इनइक्वालिटी होती है लोगों के बीच में, उनको स्ट्रक्चर्ड वे में बांट देना, तो यही होता है मेरा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज, ठीक है, वही है, स्ट्रक्चर्ड वे में सबको बांट देना, स्ट्रेटा और हायरार्की में बांट देना। जैसे हिस्ट्री हमारा बताते हैं स्लेवरी, कास्ट, स्टेट एंड क्लास, हमने क्या किया था, ये सारे चीज़ों में लोगों को बांट दिया था, ठीक है। जैसे कास्ट के रूप में हमने कैसे बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब चीज़ों में हमने क्या कर दिया था, बांट दिया था कि ब्राह्मण लोग क्या होंगे, बहुत सुपीरियर होंगे, और शूद्र लोग क्या होंगे, इन्फीरियर होंगे, और क्षत्रिय और वैश्य लोग क्या होंगे, मिडिल पाथ में होंगे, ठीक है। तो यही है, और हम लोग जैसे इंडोगैमी एंड रिचुअल अवॉइडेंस, जैसे अब हम लोग क्या हो गए, इंडोगैमी और रिचुअल अवॉइडेंस वाले हो गए। कास्ट को भी उन्होंने जातीज में बांट दिया था, जातीज को भी ऑक्यूपेशन बेस्ड ग्रुप में बांट दिया कि जितने भी लोग जो जो जैसा काम करेगा, जैसे कि जो पंडित होगा वो बहुत सुपीरियर माना जाएगा, और जो जैसे झाड़ू वाड़ू लगाने वाले होंगे बहुत इन्फीरियर माने जाएंगे। तो बहुत तरीके से कास्ट को पहले बांटा गया है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने एंशियंट हिस्ट्री में ये सब पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, और आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्दी यूपीएससी के भी सिलेबस लाने वाली हूँ, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मुझे ये सारे वीडियोस बनाने में लेट हो रहा है, तो लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा यूपीएससी के बच्चों के लिए वर्क कर रही हूँ, उनके सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ, उसके नोट्स बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आपको बहुत जल्दी मेरे ही चैनल पर आपके यूपीएससी के सिलेबस भी देखने को मिलेंगे, और इतने ही अच्छे पैटर्न विथ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है, मैं भी चाहूँ तो औरों की तरह ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी क्या करती हूँ, मैंने अपना जैसा भी एक्सपीरियंस मैंने देखा है, मुझे हैंड रिटन नोट्स के अकॉर्डिंग थ्रू क्या होता था, बहुत अच्छा समझ में आता था। तो मैं शायद यही सोचती हूँ आप लोगों के लिए भी, कि आप लोगों को भी शायद ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड जो भी होता हो, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्या लगती हैं, हैंड रिटन। क्यों? क्योंकि हैंड रिटन भी एक हमें फेथ होता है, एक बिलीव होता है कि वो पढ़ के ही बनाया गया है, और बहुत ही कंसाइज वे में बनाया गया है, ठीक है। और अगर ऑफकोर्स ही बात है, अगर कोई हाथ से लिख रहा है तो वो शॉर्ट चीज़ें ही लिखेगा, जितनी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, पूरी बुक नहीं छापेगा। तो एक फेथ होता है, एक बिलीव होता है, जिससे हमें पढ़ने की इच्छा ज़्यादा अच्छे से आती है, हमें और पढ़ने का मन करता है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी करती हूँ, तो मुझे भी आप लोग अपने कमेंट्स के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को कैसे पढ़ना अच्छा लगता है, हैंड रिटन या स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए उसी में बनाने की कोशिश करूँगी।
फिर ए आर देसाई जो है हमें मॉडर्नाइजेशन ब्रॉट इन इक्वालिटीज़ बताई है कि ए आर देसाई ने बताया है कि मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे आया वो अपने साथ साथ क्या लेके आया, इनइक्वालिटी भी लेके आया। क्लास मार्क्स एंड वेबर्स ने बताया जैसे क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज़, उन्होंने बताया स्ट्रेटिफिकेशन इज़ नेसेसरी, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ क्या हो गया, स्ट्रेटिफिकेशन ज़रूरी हो गया, लोगों ने बंटवारा कर दिया, जिनके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको अमीर वेल्थ के बेसिस पे होने लगे, इनइक्वालिटीज़ बहुत चीज़ों से होने लगा, ठीक है। मार्क बोगस और प्रोलेट्रोरेट ने बताया, मैक्स वेबर क्लास लाइफ स्टाइल के बारे में बताया है, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन में देख लेते हैं किस किस बेसिस पे होता है, कास्ट के बेसिस पे होता है, क्लास के बेसिस पे होता है, स्टेट के बेसिस पे होता है, डिसेबिलिटी के बेसिस पे भी होता है, जेंडर बेसिस पे होता है, मैन वुमेन में तो कब से चला आ रहा है, स्लेवरी के बेसिस पे भी होता है, ठीक है। स्टेटस एंड रोल हम देख लेते हैं, स्टेटस जैसे हमारा सोशल पोजीशन हॉनर एस्क्राइब और अचीव, हम लोग देखते हैं क्या उन लोगों को स्टेटस मिला होता है जो कि हमें हमारी सोशल पोजीशन डिस्क्राइब करता है, ठीक है, बताता है। हॉनर हमें किस चीज़ से, दो चीज़ों से मिलता है इज्जत, या तो एस्क्राइब्ड होता है या तो अचीव्ड होता है। एस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो भी चीज़ें हमें विरासत में मिली हो, अचीव्ड का मतलब वो जो जिसके लिए हमने खुद मेहनत की हो, ठीक है। और ये हॉनर हम कैसे करते हैं, कैसे हम इसका रोल ड्यूटी बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, हम इस स्टेटस को एक सोसाइटी में कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे हम इसको शो करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजी का क्या होता है, रोल प्ले करता है। मॉडर्न सोसाइटीज़ में हमने क्या क्या अचीवमेंट किया है, एस्क्राइब का मतलब वही मैंने बताया बर्थ से जो भी मिला है, अचीव का मतलब होता है ये हमारी परफॉर्मेंस बताता है जो हम भी हमने परफॉर्म करके कमाया है, ठीक है। स्टेटस प्रेस्टीज कमा, स्टेटस और प्रेस्टीज के बीच में एक बहुत बड़ा रिलेशन होता है, स्टेटस में मिलता है तो उससे हमें प्रेस्टीज भी मिलती है। यहाँ पे रोल कन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा बताया गया है कि जैसा कि बोला गया है कि रोल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, वुमेन है, वर्किंग है, वाइफ भी है, मदर भी है, तो इसमें बोल रहा है कि सिर्फ कन्फ्लिक्ट क्या होता है, वुमेन्स के बीच में होता है। लेकिन खारसी मैटिलिनी जो है हमारे एनसीईआरटीज़ के बुक में दिया, उन्होंने बोला है नहीं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो मेंस होते हैं उनमें भी क्या होता है, रोल कन्फ्लिक्ट होता है। रोल स्टीरियोटाइपिंग, रोल स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, काम को बांट देना कि जो घर के काम है रोटी सेकने बर्तन मांजने और खाना पकाने का काम है वो लड़कियों का ही है और बाहर से पैसा लाने का काम लड़कों का ही है, तो ऐसे चीज़ में क्या करना, लोगों को बांट देना, स्टीरियोटाइप कर देना, ठीक है। सोशलाइजेशन भी हमें क्या है, एक सोशोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल, जिसमें कि हमने बताया वैल्यूज़ और पैटर्न, जैसे कि अब आप लोगों को जानने की ज़रूरत है, जैसे मैंने बताया फंक्शनल और कन्फ्लिक्ट थ्योरी। फंक्शनलिस्ट थ्योरी हमारा ये कहता है कि हमारे जो भी वैल्यूज़ पैटर्न नॉर्म्स जो भी चीज़ें दी गई हैं उनका हमारे सोसाइटी में कोई ना कोई काम है तभी दी गई हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है फंक्शनलिस्ट है, स्टेबिलिटी मेंटेन किया रहता है। लेकिन क्वाइजन ने बोला है कि कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है, क्वाइजन्स बोलते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी का मतलब है कि नहीं ये क्या कर रहा है, लोगों के बीच में लोगों पे बर्डन डाल रहा है कि नहीं तुम्हें ये करना ही, ये वैल्यू अपनाना ही है, ठीक है। तो फंक्शनलिस्ट थ्योरी का मतलब है उनको लगता है कि नहीं इसका कोई ज़रूरत है तब, और कन्फ्लिक्ट थ्योरी का मतलब होता है कि नहीं उनको लगता है कि लोगों पे बर्डन है एक तरीके का, ठीक है। तो वही सोशल कंट्रोल कैसे करते हैं, ये दो तरीके में होता है, फॉर्मल भी होता है, लॉ इनफॉर्मल भी होता है, कि लोगों को कंट्रोल कैसे करते हैं। फॉर्मल में होता है जैसे लॉ और स्टेट के थ्रू किया जाता है, जैसे कि अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन किया जाए, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसके लिए लॉ और स्टेट बना है वो हमें सजा देगी। और इनफॉर्मल तरीके से फैमिली रिलीजन और किनशिप में लोगों को बांध देना, नहीं मुस्लिम हो तो तुम्हें नकाब या वो जो भी होता है अरपन वो पहन, अरपन पंजाबी लोग पहनते हैं वो आप लोगों को पहनना ही है, और पंजाबी लोग जो हैं वो नाइफ लेके चल रही हैं, सूट ही पहनना है, साड़ी ही पहनना है, ऐसा कुछ हो जाता है उन लोगों को बांट दिया जाता है। मंदिर में नहीं जाना है, मंदिर में जाना है, मस्जिद में लड़कियों को नहीं जाना है, ऐसा बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो इसके कुछ सैंक्शंस बनाए गए हैं, वही अगर हम लोग अपनाते हैं तो पॉजिटिव सैंक्शंस मिलता है हमें, कन्फर्म मतलब कन्फर्मिटी दी जाती है, मतलब हमें रिवॉर्ड दिया जाता है। और अगर हम सैंक्शंस नहीं करते तो हमें निगेटिव चीज़ें दी जाती है, मतलब डेवियंस किया जाता है, हमें सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा इसी पे बेस था, होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ 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 ल
लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको सोशियोलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे भी है, पेटीएम भी है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।